ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ITI ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ITI ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ITI ਮੋਗਾ ਤੋਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। अज हालात ये बन गए कि विद्यार्थियों तो फीसा ने जिहड़ियां वो तो तुसीं मना मूहियां वसूल लियां, चाहे वह पंजाब दियां सारियां ITIs ने चाहे वह यूनिवर्सिटियां ने, सरकार द्वारा फीसा के उपर GST ला के फीसा लिया जा रही ने, जिदे वापरना की है कि साडिया फीसा तो पहले ही बहुत ज्यादा ने, विद्यार्थियों फीसा लिया जा रही ने। सिक्ख्या का निजीकरण बंद करो, ऑनलाइन सिक्ख्या बंद करो, ऑफलाइन सिक्ख्या का प्रबंध करो, छेती करवाया जाए। 27 जनवरी में पेपर ले जाने से अच्छ 1 फरवरी हो चुकी है, विद्यार्थी भी खराब हो रहे हैं, पेपर ITI ही ले जाने, ऑफलाइन ही ले जाने, विद्यार्थी ने अज असी पंजाब रेडिकल स्टूडेंट यूनियन वालों पंजाब के वक्ो वक्रे जिलों के जेडे ITI के विद्यार्थी ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले के विद्यार्थियों के उपर सिक्ख्या के नाम के उपर वाधू फीसा वसूलिया जा रही ने। ITI के विद्यार्थियों तो पहला ऑफलाइन सिक्ख्या के नाम के उपर 560 रुपये प्लस 50 रुपये 610 रुपये फीस वसूली गई, उस तो बाद 360 प्लस 50 410 रुपये फीस फिर वसूली गई है, पर अजे तक विद्यार्थियों के पेपर नहीं ले गए। हॉल टिकट के वास्ते 27 जनवरी का टाइम दिता सी सरकार ने कि 27 जनवरी अपने रोल नंबर डाउनलोड कर लियो, पर समेत ITI के इंस्ट्रक्टर के विद्यार्थी पूरी रात खज्जल होंदे रहे, कोई भी रोल नंबर वैबसाइट के उपर अपडेट नहीं होया गा, जिदे चलद विद्यार्थी पेपर नहीं दे सके। अज हालात यह है कि 27 जनवरी पहला पेपर सीगा, अज 1 फरवरी हो गई, अजे तक एक भी पेपर नहीं लिया गया सरकार वालों। असी चाहते हाँ कि जिवें पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले GST के नाम के उपर फीस वसूली जा रही है, सरकारी ITI के उपर ऑनलाइन पेपरों के नाम के उपर फीस वसूली जा रही है, ये फीसा वसूलनियाँ बंद करके विद्यार्थियों वास्ते जिहड़ा हैगा वा ऑफलाइन सिक्ख्या का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि सरकार के जिहड़े बहाने आ लॉकडाउन के नाम से करोना के नाम से हुण वह भी खत्म हो चुके हैं, लोग नॉर्मल जिंदगी जीण के राह पै चुके हैं, इस करके विद्यार्थियों के पेपर आ जिहड़े ITI के विद्यार्थियों ने पूरे पंजाब के पेपर आ जिहड़े उन्होंने ITI के ले जाण, ना कि वक्खो वक्खरे जिले में भेज दिता जाए। असी फौरी मंग करते हैं सरकार तो कि रोल नंबर जारी करके विद्यार्थियों के पेपर का प्रबंध आ जिहड़ा ITI जाए। दूजा कि जिहड़ा दिल्ली के धरना चल रहा वा उहदे 170 के करीब जिहड़े नौजवान आ वो गिरफ़्तार किए गए दिल्ली पुलिस के वल्लों, उन्हां नौजवानों रिहा करन दी मंग भी असीं नाल दी नाल कर रहे हैं, उन्हां नूं रिहा किया जाना चाहिए, परचे रद्द किए जाने चाहिए आ, इन्हां मंगां नूं लैके अज असीं इत्थे धरना दे रहे हैं, असीं सरकार तो मंग करते हैं कि साडियां जायज़ मंगां ने मन्नियां जाण। ਮੰਗਲਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਹਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 27 ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ 31 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਲੁੱਟ ਆ। इस करके असं इतने इकट्ठे हुए हैं, अज असी मंग पत्र देन आए हैं DC दफ्तर के DC साहब को, ताकि इन्हें जल्द से जल्द हल किया जाए। हाली जेडे साडे नौजवान टिकरी सिंघू बार्डर के उत्ते लाल किले के चके गए हैं, उतों की सरकार ने उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर कैद कर लिया वा, उन्होंने UAP के तहत परचे जाहिर किए गए हैं, उन्होंने असी रिहा करने की मांग करते हैं सरकार वालों, उन्होंने जल्द से जल्द रिहा किया जाए।